क्या हाल चाल है बच्चों बताइए आई एस ऑफिसर आदिति यूपीएससी सवीना नीलम मणिकांत सुनील कुमार मेघवाल गजानंद क्या हाल है बच्चा ठीक है शुरू करें तो बहुत ज्यादा मोस्ट अवेटेड सेशन था ये बच्चे बोल रहे थे कि सर काफी टाइम हो गया दिसंबर तक का करंट अफेयर प्रिपेयर है दिसंबर के बाद का नहीं है तो अब हम जनवरी फेब और मार्च तीनों महीने का और अप्रैल का करंट अफेयर करेंगे और मैंने आपको बताया कि हम पंद्रह मई तक का करंट अफेयर करेंगे यूपीएससी एग्जाम होगा 16 जून को उससे एक महीने पहले तक का हम करंट कवर करेंगे और समय लगा है ना अगर समय रहा और मेरा कोई एंगेजमेंट नहीं हुआ तो आ, कहीं और व्यस्तताएं हो सकती है ना बच्चा तो मैं तीस मई तक का इकतीस मई तक का भी आपको करंट अफेयर करा के रहूंगा टेंशन ना लेना सारे वादे जो आपसे किए जाते हैं सारे पूरे होंगे क्यू आर सीरीज कुछ दिनों से नहीं चल रही लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि क्यू आर सीरीज नहीं होगा क्यू आर सीरीज का बैक एंड पे जितना काम है वो सारा काम चलता जा रहा है तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारे सेशंस मिलेंगे बस आप अपना प्यार अपना समर्थन जिस तरह से बनाए रखे हो ये बनाए रखना बाकी का मैं देख लूंगा टेंशन नहीं है आ जाओ तो बच्चा जनवरी 2024 पार्ट वन आज हम करेंगे नाम है नवीन तंवर पिछले चार पांच सालों से मुझे आप जानते हो ऑनलाइन किस तरीके से मैं आपके लिए एक आ, समर्पित और ईमानदारी से भरा हुआ प्रयास कर रहा हूं ताकि कुछ बदलाव आए और ये दो किताबें हैं ये सी सेट कॉम्प्रीहेंशन की बच्चा और ये ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के करंट अफेयर की मतलब वो बच्चे जो ये कहेंगे सर जी जून से लेके जून से लेके और दिसंबर जून 2023 से दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर क्या करे ये उसी का पार्ट वन मतलब जो ये, ये मैंने बुक निकाली है ना बच्चा ये वाली बुक वही है इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूं आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है बच्चा ये जो पार्ट वन वाली जो किताब है ना ये आपको ये पूरी Uh, कितने पेज है मैं बता देता हूँ दिस इज अराउंड एक सौ पेज की किताब है इसमें जून से लेकर दिसंबर तक का पूरा आपका ये है जनवरी में आपको अभी करा ही रहा हूं तो एनवायरमेंट जोग्राफी का करंट अफेयर टेंशन खत्म सी सेट रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेंशन खत्म ज्योग्राफी का मैं सेशन लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी आपके सामने इस नंबर पे आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप नेम बुक कौन सी चाहिए बता देना आपके पास आ जाएगी सात से दस दिन लगेगा तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की तैयार हो आप सभी लोग तो चलिए पहली जो खबर है हमारे पास सी आर ई यानी के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है बच्चा ये और खबर तो क्या होता है मेरे लिए बहाना होता है ना बेसिकली जो ये खबरें आती है इन पे तो क्वेश्चन नहीं यूपीएससी पूछेगा उन पे कितना उनके बैकग्राउंड में जाके क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उस पर हम लगातार काम कर ही रहे हैं तो अभी सी आर ई ए की एक रिपोर्ट आई है इसने भारत के जो पॉल्यूटेड सिटीज है उनकी एक लिस्ट जारी की है है ना भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर और जानकर ये आश्चर्य होगा कि भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम नहीं है भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में बेंगलुरु का नाम नहीं है मुंबई का नाम नहीं है कुछ नए नाम है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ऐसे कुछ नाम हमारे भारत के सबसे ज्यादा पॉलिटिस पॉल्यूटेड सिटीज के रूप में इसने आइडेंटिफाई किए है क्या क्राइटेरिया है वो सिटीज इतने ज्यादा पॉल्यूटेड क्यों है देश की टॉप टेन सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज तो 2023 है ना ट्रेसिंग हेजी एयर 2024 प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी इस पर भी हम बात करेंगे तो खबर क्या है ये सबसे पहली बात तो ये आया कि ये सी आर ई ए ये है क्या ये क्या ये कौन सी संस्था है कैसी है सरकारी है एन जी ओ है इंडिया बेस्ड है फॉरन बेस्ड है इसके बारे में जान लेते हैं तो ये फिनलैंड बेस्ड है ना फिनलैंड बेस्ड बेस्ड जो आपका नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वो जो कंट्री है बाल्टिक सी के आजू बाजू वाली वो वहां स्थित एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है नाम है सी आर ई ए सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर फिनलैंड में है इसने भारत के दो सौ सत्ताईस शहर है टू टू सेवन सिटीज की पॉल्यूटेड सिटीज के रूप में उनके स्टडी किया और फिर रैंकिंग जारी की तो भारत के दो सौ सत्ताईस शहरों की वायु गुणवत्ता का इसने स्टडी किया और एक चौंकाने वाला आ, बिल्कुल आंकड़ा हमारे सामने दिया है तो ये सी आर ई ए क्या है इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है फिनलैंड में है और इसके जो बहुत सारा स्टाफ है वो एशियन नेशंस में और यूरोपियन नेशंस में काम करता है इसके अलावा ये क्या करता है बच्चा सी आर ई ए साइंटिफिक डेटा रिसर्च और एविडेंस टू सपोर्ट द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कंपेनिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड इन देर एफर्ट्स टू मूव टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड क्लीन एयर पूरी दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ हवा के लिए दुनिया भर की सरकारें बहुत सारे संस्थान जो काम कर रहे हैं उनको देखता है और बाद में ये ऐसी कोई रिपोर्ट निकाल देता है मामला समझ में आया किसने निकाला सी आर ई ए ये मेंस में भी काम आ सकता है आपको तो ये क्या कह रहा है देखो तो वर्ष 2023 में याद रखना बच्चा 2023 की बात कर रहा हूं 2023 में इसने बोला भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर मेघालय के अंदर है बर्नी हाट मेघालय का बर्नी हाट उस सूची में बिल्कुल टॉप पे था पहले नंबर पे भारत का सबसे ज्यादा पॉलिटेड सिटीज क्या है बच्चा मेघालिया बर्नी हाट बेसिकली असम और मेघालय के बॉर्डर के आसपास है मैं दिखाऊंगा इसकी लोकेशन डोंट वरी उसके बाद बिहार का बेगूसराय दूसरा सबसे ज्यादा पॉलिटेड सिटी है और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा तो इसमें दिल्ली नहीं है इसमें बेंगलुरु नहीं है इसमें मुंबई नहीं है कोलकाता नहीं है चेन्नई नहीं है जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे बिल्कुल विपरीत मेघालय का बर्नी हाट ये सबसे ज्यादा पॉलिटेड सिटी है इंडिया की दो शहरों में से नंबर वन इसी का स्थान है ठीक है अच्छा फिर क्या करते हैं इसके बाद आप बोलोगे और कौन से हैं राजस्थान के अंदर श्रीगंगानगर छपरा पटना हनुमानगढ़ दिल्ली भिवाड़ी फरीदाबाद ये 2023 में भारत के टॉप टेन सबसे ज्यादा पॉलिटेड सिटीज में से एक रहे तो दिल्ली टॉप टेन के अंदर है मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूं देख सकते हैं आप दो के लिए नंबर वन पॉजिशन नंबर टू, टू पोजिशन ग्रेटर नोएडा इज नंबर थ्री डेली का जो इसमें पोजिशन है एट्थ नंबर का है

लोकेशन देख लीजिए बच्चा दिस इज असम ये असम स्टेट है एंड दिस इज मेघालय दिस इज मेघालय और असम ये गोहावटी है और यहां पे देखो दिस इज बर्नी हाट दिस इज बर्नी हाट तो असम और मेघालय के बॉर्डर पे इसका लोकेशन है बर्नी हाट का दिख रहा है क्या आपको ये देखो कहां पे है ये दिस इज बर्नी हाट अब बर्नी हाट इतना ज्यादा पॉल्यूटेड क्यों है असली मुद्दा यह है हमारे सामने तो आ जाइए यह लीजिए कहते हैं यहां पे क्या हो रहा है अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियल ऑपरेशन अनियमित औद्योगिक संचालन हो रहे हैं यहां पे यहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नहीं होना सेकंड फर्स्ट सेकंड बने बड़े निर्माण पर यहां पर बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है तो ये सारी चीजें इनको काफी तकड़े रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है मतलब कहीं इंडस्ट्रियल ऑपरेशन हो रहे बच्चा ट्रांसपोर्टेशन है या उसके साथ कहीं कंस्ट्रक्शन का काम है तो ये सीआर कहता है कि इस तरह की एक्टिविटी जिस भी क्षेत्र में होते हैं वहां कड़े रेगुलेशन होने चाहिए उधर ऐसा कुछ है ही नहीं जो मर्जी है चले जा रहा है वो वाली बात है तो अन्य कारक इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को खराब करने में योगदान करते हैं जिसके लिए कड़े नियामकीय उपायों की जरूरत होती है और वो बर्नी हाट में नहीं है तो दैट्स वाई बॉर्नी हार्ट देश का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है बोलो कैसा रहा मामला बताइए ठीक है अब अब आ जाते हैं अब कुछ और यह तो खबर सामान्य सी थी है ना सामान्य सी खबरें थी अब यहां से यूपीएससी आपको कहां लेके जा सकता है दो बड़े इसके बेहतरीन और शानदार डायमेंशन है पहला बर्नी क्यों इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है वो हमने जान लिया अब यहां पे देखो ये पीएम टू पॉइंट फाइव पार्टिकुलेट मैटर टू पॉइंट फाइव उसके बेस पे इन्होंने बताया एवरेज वार्षिक औसत बताया है तो पीएम टू पॉइंट फाइव का जो 152 इसका कंसंट्रेशन पाया गया कहां पे बर्नी में बेगूसराय में एक ठीक है तो नंबर वन है बर्नी हार्ट यह है किसके बेस पे बच्चा पीएम 2.5 टू पॉइंट फाइव सेकेंड वन इज पीएम टेन के बेस पे पीएम टेन पार्टिकुलेट मैटर टेन उसके आधार पे देखो बर्नी हार्ट की पोजीशन क्या है बर्नी हार्ट की पोजीशन है तीन थ्री जीरो वन है ना कंसेंट्रेशन है पर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब यहीं पे आप एक चीज जो सोचने वाली चीज है समझो बच्चा ये चार्ट तो हमने देखा इसी चार्ट में देखो चाहे ये पीएम 2.5 टू पॉइंट फाइव वाला हो ये या पीएम टेन वाला यहां पे देखना ये दो डैश 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 लाइन दे रखी है एक लाइन तो है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको एन ए ए क्यू एस कहते हैं ये नीचे वाली लाइन है दिस इज ऑफ डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि भारत का जो एक स्टैंडर्ड है कि पीएम टू पॉइंट फाइव या पीएम टेन का कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए पोल्यूशन के मतलब कितना स्वीकार्य है कितना हो जाएगा तो ठीक है ज्यादा हेल्थ कंसर्न नहीं है इकोलॉजिकल कंसर्न नहीं है इस हिसाब से देखो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है पचास से कम होना चाहिए था यह कितना है डेढ़ और अगर डब्ल्यू के हिसाब से देखें तो ये दस से भी कम होना चाहिए था लेकिन कितना है एक यानी कि डब्ल्यू के, के स्टैंडर्ड्स और नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के जो स्टैंडर्ड है उससे कई गुना ज्यादा है इनका स्तर चाहे बर्नीघाट हो बेगूसराय हो दिल्ली हो तो ये एक चिंतनीय विषय है तो यूपीएससी यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो दो क्वेश्चन पूछेगा कि ये नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है कहां से आए कितना पीएम टू पॉइंट फाइव का लेवल होना चाहिए कितना पीएम टेन का लेवल होना चाहिए कितना सल्फर के ऑक्साइड का कंसेंट्रेशन होना चाहिए और सेकेंड सेकेंड वो आपसे पूछ सकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या गाइडलाइन दी है इन पॉलिटेंट्स को लेके बात आ रही है समझ में जल्दी से बताओ जल्दी से बताइए थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाओ ज्यादा अलर्ट हो जाओ ना, है ना एनवायरमेंट ज्योग्राफी उसका करंट अफेयर और स्टेटिक पार्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी और एनवायरमेंट अगर जीएस की बात करूं सबसे बड़ा वेटेज है बच्चा थर्टी प्लस क्वेश्चन आएगा थोड़ा सीरियस हो जाना तो आपकी सफलता का रास्ता इन दो सब्जेक्ट्स की गलियों से होके जाएगा ठीक है ठीक है आ जाओ फिर दिखाते हैं अब डब्ल्यू एच ओ का गाइडलाइन क्या है अभी हम देख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2021 पिछले वाला गाइडलाइन 2015 का था अभी लेटेस्ट गाइडलाइन आया 2021 तो डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या है ये बताएगा पीएम टू का लेवल क्या होना चाहिए पीएम टेन का क्या होना चाहिए ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इसने इनको इस्तेमाल किया है एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के लिए याद रखना इन सबके नाम तो क्या कहता है बच्चा डब्ल्यूएचओ क्या कहता है ये किसके है गाइडलाइन दिस इज ऑफ डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है ये सुन लो बच्चा कहता है पीएम 2.5 का कंसंट्रेशन देखो कितना होना चाहिए वार्षिक रूप से और 24 घंटे में कितना होना चाहिए वार्षिक तो ये पांच से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर मीटर क्यूब के हिसाब से और चौबीस घंटे में पंद्रह से ज्यादा नहीं होना चाहिए वार्षिक कितना होना चाहिए बच्चा पांच क्या पीएम 2.5 और हमने क्या देखा हमने क्या देखा पीएम 2.5 152 एक चल रहा है बच्चा 152 फिफ्टी क्या कहता है ये सिर्फ पांच होना चाहिए था इंडिया में ये बर्नी हार्ट में कितना है यह है 150 देख लो कितने गुना ज्यादा है तीस गुना ज्यादा जितना डब्ल्यू एच ओ ने बोला है कि हेल्थ के लिए ठीक है बात आई समझ में आ जाओ फिर पीएम टेन कितना होना चाहिए एनुअल कितना होना चाहिए और चौबीस घंटे में एनुअल होना चाहिए था पंद्रह और चौबीस घंटे में 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था और बर्नी हाट में कितना है तीन सौ से ज्यादा ये पंद्रह है ना तीन सौ से ज्यादा देख लो पीएम टेन तीन सौ एक है बच्चा डेली की हालत भी देखोगे डेली में भी दो सौ छह है तो यानी कि डब्ल्यू एच ओ जो लेवल कह रहा है उससे तो दस गुना से भी ज्यादा है बुरी हालत है हां इतना ज्यादा है बच्चा मैं क्या करूं उसके बाद देख लो ओजोन ग्राउंड लेवल ओजोन की बात कर रहे हैं देखो ओजोन दो तरह की होती है एक ओजोन होती है गुड ओजोन एक होती है बैड ओजोन जो हमारी स्टेटोस्फेयर के अंदर ओजोन है दैट इज गुड ओजोन यहां पे जो ऑथरी है ये बैड ओजोन की बात कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन की बात कर रहे हैं। इसके लिए उसने क्या बोला पीक सीजन में कितना होना चाहिए साठ और आठ घंटे के उस पर होना चाहिए ये वन हंड्रेड तीसरा हो गया चौथा क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका एनुअल और इसका चौबीस घंटे का दस और पच्चीस उसके बाद आ गया सल्फर डाइऑक्साइड चालीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो अगर यूपीएससी कहता है सुन लो एक और क्वेश्चन जो यहां से बनेगा अगर यूपीएससी कहता है कि WHO ने जो ग्लोबल एयर क्वालिटी का जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें उसने कौन कौन से पोलूटेंट लिए देर आर सिक्स पोलूटेंट फर्स्ट पीएम टू पॉइंट फाइव सेकेंड पीएम टेन थर्ड इज ओजोन फोर्थ इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिफ्थ इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सिक्स इज कार्बन मोनोऑक्साइड तो वी हैव सिक्स है ना सिक्स है हमारे पास सिक्स पोलोटेंट के लिए हमारी ये गाइडलाइन है चलो या तो वो यहां फसाएगा कितने हैं या वो आपको ज्यादा टेक्निकल फंसाएगा तो इस लेवल के बारे में पूछेगा ये वाला ये वाला पूछेगा वो आपसे इसको याद रखना बच्चा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला इंफॉर्मेशन जो सारा चार्ट है इन सब के लिए अब रखना पड़ेगा तो पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूं इसमें मैं क्या कर सकता हूं ये यूपीएससी है वो ऐसे ही परेशान करेगा बोलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहां से नेक्स्ट चलते हैं बच्चा अब जानते हैं व्हाट इज पीएम एम टेन पीएम टू पॉइंट फाइव और पीएम वन क्या है ये देख लो बच्चा है ना ऐसे वायु के कण जिनका डायामीटर डायामीटर कह रहा है बच्चा व्यास व्यास समझते हो ना व्यास ये अगर सर्किल है इसके बीचों बीच सेंटर से होके जाने वाली जो लाइन है दिस इज डायामीटर दिस इज डी ये डायामीटर है और डायामीटर का हाफ होता है रेडियस दिस इज रेडियस तो क्या कह रहा है? जिसका डायामीटर 10, 10 माइक्रोमीटर से कम है दट इज पी एम ऐसे वायु के कण जिनका व्यास या पोल्यूटेंट के कण जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर से कम है उसको पीएम 10 बोलेंगे जिसका 2.5 माइक्रोमीटर से कम है उसको हम क्या बोलेंगे पीएम 2.5। और जिसका 1 माइक्रोमीटर से कम है उसको हम बोलेंगे पीएम वन अब आप एक प्रश्न ये आएगा कि सर जी इसमें से डेंजरस ज्यादा कौन है ये वाला ज्यादा डेंजरस है ये वाला ज्यादा डेंजरस है या ये वाला ज्यादा डेंजरस है तो इसकी मैं कहानी दिखा देता हूं ये मान के चलो इंसानी शरीर है है ना आपका और हमारा और हमारा पीएम 10 हम ये मार्क कर लेते हैं बच्चा दिस इज पीएम 10 का क्या इंपैक्ट है यहां पे पीएम 2.5 का इंपैक्ट क्या आएगा इस मानव शरीर के ऊपर यहां पे पीएम वन का इंपैक्ट क्या आएगा और ये पीएम पॉइंट वन का क्या इंपैक्ट आएगा समझो अगर पीएम टेन आपके एटमॉस्फेयर में है ये वाला पॉलिटेंट तो ये आपकी नाक से मुंह से होकर जाएगा और यहां तक इतने हिस्से को आपके शरीर को प्रभावित करेगा ये जितना दिखाया ना ये हिस्सा आपके शरीर का प्रभावित हो जाएगा इतना हिस्सा शरीर का प्रभावित हो जाएगा इसको हम कोर्स पार्टिकल भी बोलते हैं है ना बड़े कन है ये तो ये जैसे पोलन हो गए आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में उड़ने वाली जो धूल है वो है इतने हिस्से को प्रभावित करती है अब आ जाओ पीएम 2.5 ये नाक से मुंह से होते हुए ये देखो आपके फेफड़े तक जा रहा है इनको फाइन पार्टिकल बोलते हैं ये बैक्टीरिया हो सकते हैं कोई भी फंगी हो सकती है ठीक है और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं ये पीएम वन है ये पीएम वन देखो आपके पूरे फेफड़े को कब्जा लेगा है ना इसको इनहेबल पार्टिकल्स बोलते हैं वायरस एग्जॉस्ट गैसेस तो जैसे कोरोना था कोरोना था नाक से गया अंदर गया फेफड़ों को कब्जा लिया उसने इसके अंदर वायरसेस आते हैं इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है इसके अंदर पोलन और डस्ट है इसके बाद ये देखो आपके पूरे शरीर को कैप्चर करने की क्षमता अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स है ये नैनो पार्टिकल्स है अगर ये आपकी नाक से मुंह से शरीर के अंदर चले गए पूरी बॉडी में घूमेंगे फिर ये दिस इज इम्पैक्ट और अगर हमारे देश में पीएम टू पॉइंट फाइव और पीएम 10 टेन का लेवल जितना होना चाहिए उससे बीस गुना ज्यादा उससे पंद्रह गुना ज्यादा उससे तीस गुना ज्यादा है तो आप सोच लो कि इन लोगों को सांस संबंधी परेशानियां होना जरूरी है इनके गले में इरिटेशन गला खराब है ना बहुत सारी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड इनको होनी जरूरी है बोलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब अब इसने बोला देखो एक तकलीफ वाली बात यह है तकलीफ वाली बात यह है कि जिन 227 सिटीज पे यह स्टडी किया था उसमें से हमारी कितनी बच्चा 85 है ना आंकड़ों के अच्छा 85 को हमने इन दो शहरों में से जिनको हमने स्टडी के लिए यूज किया था 85 शहर हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर शामिल थे समझे मतलब भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक प्रोग्राम चल रहा है हमारे देश के बहुत कुछ गिने शहर है उन शहरों को क्लीन करने का अलग से एक प्रोग्राम चल रहा है काफी टाइम से चल रहा है काफी लंबे समय से चल रहा है नौ साल हो गए तो इन शहरों में से पिछासी शहर तो वही है जहां ऑलरेडी सरकार ने क्लीन एयर प्रोग्राम चला रखा है तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की पोल खोल रहे हैं ये रिपोर्ट कि कितना सक्सेसफुली आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम काम कर रहा है ये मुख्य परीक्षा में भी आपको आ सकता है ठीक है देखो अब ये क्या कह रहा है इन इन दो शहरों में से क्या है बच्चा 85 शहर आपके नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल है ओके अकॉर्डिंग टू डेटा डेटा के अनुसार क्या कह रहा है कि पीएम एम टेन का जो लेवल है वो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें तो सिक्सटी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था लेकिन यहां पे और भी ज्यादा निकला वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया अब ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है कब शुरू हुआ 2019 में शुरू हुआ था 2019 के अंदर बच्चा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 131 थर्टी वन शहर है बच्चा 131 गैर प्राप्ति शहर और मिलियन प्लस शहर की वायु गुणवत्ता को सुधार करना किसके लिए है बच्चा देश के 131 सिटीज में कौन सी सिटीज है वो नॉन अटेनमेंट सिटीज या मिलियन प्लस सिटीज मिलियन प्लस यानी कि जिनकी पॉपुलेशन दस लाख से ज्यादा है ऐसे शहरों के अंदर वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए हमने शुरू किया था अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये ये आता है सर जी नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या है गैर प्राप्ति शहर ऐसे कौन से शहर है जिनको हमने गैर प्राप्ति शहर के रूप में आइडेंटिफाई किया है उसका भी क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ मेरी क्लास है थोड़ा टेक्निकल भी रहेगी क्योंकि यूपीएससी टेक्निकल हो रहा है बच्चा तो हम भी टेक्निकल होंगे ठीक है ठीक है हाँ तो ये नॉन अटेनमेंट सिटीज का क्या क्राइटेरिया है इसको देख लेते हैं व्हाट आर नॉन अटेनमेंट सिटीज है ना तो दीज आर दैट हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसे शहर जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता जो मानक है उनसे कम है मतलब एक भाई जैसे डब्लू एच ओ ने मानक सेट किया था ना डब्ल्यू एच ओ पीएम टेन इतना होना चाहिए पीएम टू पॉइंट फाइव इतना होना चाहिए इंडिया ने उसके लिए नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपनाए थे हमने भी बोला पीएम <coughs> टेन इतना हो पीएम टू पॉइंट फाइव इतना हो तो कह रहा है नॉन अटेनमेंट सिटीज वो है जो इसके द्वारा दिए गए जो स्टैंडर्ड थे उनको अचीव करने में फेलियर हो गई तो पिछले पांच वर्षों से पिछले पांच वर्षों से एन ए ए क्यू एस के टारगेट्स या गाइडलाइन से कम उनका परफॉर्मेंस चल रहा है वो है नॉन अटेनमेंट सिटीज ठीक है उसके बाद चलो आगे क्या कह रहा है अब ये नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स ये कौन लेके आया कब लेके आया जैसे डब्ल्यू एच ओ के अंदर तो हमने सिक्स पॉलिटेंट को शामिल किया था कौन से पीएम टू पॉइंट फाइव पीएम टेन उसके बाद ओजोन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें क्या है इसके अंदर क्या है तो यूपीएससी आपसे यह भी पूछ सकता है नेशनल एम्बियट एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर हमने कौन कौन से पोलुटेंट को शामिल किया है पहला पो, पो, पोलुटेंट वही है पीएम पीएम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो उसमें भी था किसमें डब्ल्यू एच ओ में कार्बन मोनोऑक्साइड डब्ल्यू एच ओ में था, था क्या ओजोन डब्ल्यू एच ओ में था सिक्स पोलुटेंट तो वो है हमने कुछ और एक्स्ट्रा पोलूटेंट भी रखे इसमें किसमें एनएच थ्री अमोनिया बेंजीन बेनजोपायन आर्सेनिक और निकल तो टोटल मिला के कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर हमने बारह पोलूटेंट को ट्वेल्व पॉल्यूटेंट है बच्चा ट्वेल्व पॉल्यूटेंट है डब्ल्यू एच ओ में कितने थे यहां पे सिक्स थे हमने बारह लिए है लिख लेना इसको अब एक और आगे की कहानी ये कहां से आए ये नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स किस एक्ट के तहत हमने इसको आइडेंटिफाई किया है तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है केंद्र सरकार के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसने उन्नीस का हमारा एक, एक एक्ट है एयर है ना एक्ट 1981 तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत इनको नोटिफाई किया है किसने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इनको नोटिफाइड किया था इन 12 मानकों को 1981 के अधिनियम के तहत 12 मतलब 12 पोलटेंट को नेशनल एंबिएंट एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है उसके अंतर्गत बोलो एक बढ़िया पिक्चर समझ में आई खबर छोटी सी थी बर्नी हार्ट अपनी गाडी उतने पे नहीं रुकनी हम उससे और आगे चलेंगे और आगे चलेंगे क्योंकि ये क्लास आपके नवीन तवर सर की क्लास है इतना जल्दी कैसे रोक देंगे कंटेंट को अभी तो और चलेगा अभी तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम उसका और एनालिसिस करेंगे उसके बाद हम फेलियर क्यों हो रहे हैं उस पर जाएंगे उसके बाद इस समस्या का समाधान क्या होगा उस पर जाएंगे एक बार के में कंप्लीट टॉपिक मजा आ रहा है या नहीं बोलो आ जाओ आगे चलते हैं अब ये हमारा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था ठीक है इसका उद्देश्य क्या था कि हम हमने साल 2017 को मान लिया बेस ईयर बेस ईयर मतलब आधार वर्ष कि हमें क्या करना है साल 2025 26 तक हमें क्या करना है 2017 में जो बेस ईयर माना था 2017 में हमने जितना उनका लेवल माना था पोल्यूटेंट का उस लेवल तक घटाएंगे तो क्या कह रहा है इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर पी एम और पीएम 2.5 उसके स्तर में 40 परसेंट की कमी लेके आना है 40 परसेंट तक रिड्यूस करना है और बेस लेवल किसको बनाएंगे 2017 ये लो नेक्स्ट उसके बाद अब इस पूरे मामला इस पूरा जो मामला है उसका जो नोडल एजेंसी कौन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है ये वो इसको देखती है तो एनसीएपी क्या करता है केंद्रीय मंत्रालय है जितने स्टेट गवर्नमेंट है लोकल बॉडीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और मतलब वो एक साथ मिलकर काम करें उनके डायरेक्टेड या बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में काम करें ऐसा लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट अलग काम कर रही है अलग तरीके से लोकल बॉडीज अलग सेंट्रल गवर्नमेंट अलग नहीं ये क्या करेगा सारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज आपस में मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में आगे काम करें तो बहुस्तरीय और क्षेत्रीय समन्वय के साथ लागू करने की इसकी योजना थी फिर समस्या क्या आ गई समस्या क्या है अच्छा समस्या पे जाने से पहले पढ़ते-पढ़ते मुझे एक चीज और मिल गई प्राणा पी आर ए एन ए अब ये प्राणा क्या है प्राणा बेसिकली एक पोर्टल बनाया है ठीक है ये पोर्टल क्या करता है तो प्राणा की फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज जो हमारी नॉन अटेनमेंट सिटीज थी जो कि पिछले 5 वर्षों से या उससे ज्यादा समय से नेशनल एंबिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में फेल हो गई उन सिटीज के अंदर क्या है फॉर द सपोर्टिंग द मॉनिटरिंग ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो नॉन अटेनमेंट सिटीज के अंदर हमारा वायु गुणवत्ता को मेंटेन करने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल है प्राणा याद रहेगा क्या पी आर ए एन ए दिस इज प्राणा लिखो कमेंट सेक्शन में लिखो प्राणा कमेंट सेक्शन के अंदर प्राणा लिखो बच्चा प्राणा हो हाँ गया बच्चा ये अब निष्कर्ष क्या है आपके मन में आएगा सर जी दिमाग में बहुत ज्यादा बेचैनी होगी तो इसका मतलब क्या हम कभी अपने भारतीय शहरों को स्वच्छ नहीं कर पाएंगे और अगर हमें स्वच्छ करना है तो हमें क्या करना होगा आ जाओ उसमें आ जाते हैं तो सी आरई ए की जो रिपोर्ट है उससे स्पष्ट होता है कि हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं उसके बावजूद भारत सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में अभी भी वायु गुणवत्ता को सुधारने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई तो क्या करें? छोड़ दे जो हो रहा है होने दो अपने पे क्या टेंशन पड़ रहा है नहीं प्रमुख कारण क्या बताया पहला कारण ये जो नेशनल आपने जो बनाया है ना नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये वॉलेंट्री है स्वैच्छिक है राज्यों के ऊपर बाध्यकारी नहीं है बाध्यकारी नहीं है ये बिल्कुल ऐसा ही आपके घर वालों ने बोल दिया बच्चा क्या करना है यूपीएससी की तैयारी करना है चल कर ले और आपसे कभी पूछ ही नहीं रही है इक्कीस साल की उम्र में लगे थे और सैतीस साल की उम्र तक क्या कर रहे हो बच्चा यूपीएससी की तैयारी अगर थोड़ा सा बाध्यकारी बना दे दो साल में निकालना है बच्चा तीन साल में फोड़ देना है एग्जाम को फिर आपसे पूछे हाँ भाई क्या किया क्या पढ़ रहे हो एनवायरमेंट की क्या स्थिति है ज्योग्राफी की क्या स्थिति है पॉलिटी कौन पढ़ा रहा है इकोनॉमी में कैसा जा रहे हो मॉक टेस्ट में कैसे कर रहे हो ऐसी रेगुलर रिपोर्टिंग और बाध्यकारी आपको बताना पड़ेगा तो बेहतर रिजल्ट आ जाएगा तो राज्यों के लिए गैर बाध्यकारी है पहली बात तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाध्यकारी नहीं है आपने लॉन्च तो कर दिया तो किसको टेंशन है इसकी सेकंड अब उसके बाद जब बाध्यकारी नहीं है तो राज्य केंद्र और लोकल लेवल पे वो कोऑर्डिनेशन है ही नहीं तो बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो रिजल्ट कहां से निकल के आएंगे उसके बाद क्या है अब क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन वही है बाध्यकारी बना दो या कोशिश करो रिपोर्टिंग बढ़िया हो अच्छा हो कोऑर्डिनेशन अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो रास्ता है तो इस दिशा में सरकार को एकीकृत और ठोस कदम उठाते हुए निजी क्षेत्र सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करे और एक बेहतर प्रबंधन प्रणाली हम एस्टेब्लिश कर दे तो शायद कुछ बेटर रिजल्ट

ठीक है यहीं पे जब हम पीएम टेन की बात हो रही थी पीएम टू पॉइंट फाइव की बात हो रही थी हमने पीएम वन को भी इंक्लूड कर लिया एक बड़ी पिक्चर हमारे सामने आई ठीक है बात आई क्या समझ में चलो आधा घंटा हो गया एक बार लाइक कर दो मुझे भी थर्टी फाइव मिनट से लगातार बोले ही जा रहा हूं मैं तो आपके कमेंट भी नहीं देख पा रहा तो एक बार एक मिनट के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला अपना कार्यक्रम आगे चलाओ है ना फिर आगे बढ़ते हैं। करो बच्चा एक बार इसको लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो फिर आगे चलते हैं यहां से मैं तब तक देख लेता हूं आपका कोई कमेंट तो नहीं है Take it. Take it. आगे चलते हैं नेक्स्ट खबर हमारे पास है इंडिया का पहला सेंट्रली फंडेड केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित काउ सेंचुरीज को हमने एस्टेब्लिश किया है दो चीजें बच्चा लाइन को समझना इंडिया का फर्स्ट सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी इसका मतलब दो चीजें है क्या इंडिया में आज से पहले कोई काउ सेंचुरी नहीं बनी नहीं इसका मतलब ये नहीं है हो सकता है बहुत सारी काउ सेंचुरी पहले से काम कर रही हो लेकिन सेंट्रली फंडेड जिसमें केंद्र सरकार ने पैसा डाला है ऐसा या या गाय सेंचुरी को हमने क्या किया बच्चा लॉन्च किया है तो इंडियन एक्सप्रेस का खबर है ये इंडियन एक्सप्रेस तो केंद्र सरकार का मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा पहली बार पहली बार पूरी तरीके से 100% सेंट्रली फंडेड काउ अभ्यारण्य की स्थापना की गई कहां पे की गई उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी तहसील के तुगलकपुर कमहेरा गांव में इसको हमने एस्टेब्लिश किया है केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित यानी कि पैसा के सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है तो अब ये अभ्यारण्य कहां से आया पैसा बेसिकली हमारा पहले से ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है राष्ट्रीय गोकुल गोकुल मिशन मिशन इंपॉर्टेंट है बच्चा इस राष्ट्रीय से 64 करोड़ रुपए निकाल के हमने इसको बनाया सेंट्रली फंडेड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से पैसा देगी पैसा निकाल के लाए हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन तो हो सकता है स्टेट सर्विसेज के अंदर तो इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का पहला केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित काउ सेंचुरी हमने कहा तो उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी लेवल का बनेगा वो क्या है वॉट इज राष्ट्रीय गोकुल मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है किस लिए लॉन्च किया गया अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन पे भी उस पर भी बात करेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी एंड डेरिंग उसके अंतर्गत है ये पशुपालन और डेयरी विभाग तो पर्पज क्या है इस सेंचुरी के जो उत्तर प्रदेश में हमने एस्टेब्लिश किया है इसका उद्देश्य क्या है देश में जितनी भी हमारी देसी गाय है।, है ना बच्चा देसी है ना जितनी हमारी ठीक है इंडिजेनस काउज है जितनी हमारी उनकी नस्लों को सुधार करने हेतु शोध और परीक्षण संबंधित एक संस्थागत तंत्र की सुधार करना देसी गाय है बच्चे याद रखना इंडिजेनस काउ है अमेरिकन गाय नहीं वो पैंतीस पैंतीस चालीस चालीस लीटर दूध दे रही है हमारी देसी गाय उसके साथ साथ राज्य में जितने भी हमारे आवारा पशु है ऐसे सड़कों पर घूमते रहते हैं उनकी समस्या को संबोधित करना भी इस अभ्यारण्य का लक्ष्य है दो ऑब्जेक्टिव है पहला देसी गाय की नस्लों को सुधार करना और आवारा पशु है उनका थोड़ा सा उनको देखना ठीक है अब भारत का पहला गो अभ्यारण्य सुन लो ये जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आया सेंट्रली फंडेड है लेकिन देश के अंदर इससे पहले भी हमारे काउ सेंचुरीज एस्टेब्लिश हुई है फर्स्ट काउ सेंचुरी हमारी मध्य प्रदेश के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी है ना? मध्य प्रदेश के शाहजापुर जिले के अंदर साल 2012 में एक सालरिया गांव है उसके अंदर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वो वित्त पोषित था तो देश का पहला काउ सेंचुरी एमपी के अंदर है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड पहला काउ सेंचुरी यूपी के अंदर है एमपी का साजापुर जिला और यूपी का मुजफ्फरनगर जिला ठीक अब राष्ट्रीय खबरें गई है वो एसएससी बैंक स्टेट सर्विसेज उधर से वो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी अगर आएगा तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन से क्वेश्चन आएगा वॉट इज दिस राष्ट्रीय गोकुल मिशन आ जाओ बच्चा आ जाओ कब शुरू किया था दिसंबर दो चौदह के अंदर तो देश के देसी जो हमारी दुधारू हैं है ना उनके विकास और संरक्षण के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया जा रहा है पहली बात याद रखना दुधारू देसी दुधारू पशुओं के लिए साल 2014 में यह लॉन्च किया गया था उसके बाद तो क्या कह रहा है ये यह है योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने देश के ग्रामीण किसानों के को लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने दुग्ध उत्पादन और दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया 2400 करोड़ रुपए की योजना का बजट यह प्रावधान था 2021 से 2026 तक इसको हमने अमरेला योजना है राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत ये अभी भी चल रही है सुन लो 2021 से 26 के लिए एक योजना चल रही है राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना उसके तहत राष्ट्रीय गोकुल मिशन अभी भी चल रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसके चलते उत्पादकता में वृद्धि हुई भारत के सभी गो पशुओं भैंसों विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के गो पशुओं और भैंसों तक पहुंचेगा और विशेष रूप से महिलाओं को लाभ होगा वीमेन एम्पावरमेंट उसके साथ साथ क्योंकि पशुधन पालन में सेवेंटी परसेंट से ज्यादा कार्य महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है तो महिलाओं को बेनिफिट छोटे सीमांत किसानों को बेनिफिट और देश के अंदर दुधारू पशुओं की नस्ल को सुधार करने का राष्ट्रीय गोकुल मिशन साल 2014 में हमने शुरू किया था बोलो बात बनी या नहीं बनी बताइए सेट हो गया क्या मामला बच्चा इंग्लिश में भी नीचे ही सेम दिया गया है। उद्देश्य क्या है उद्देश्य पूछ ले उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करनी है सस्टेनेबल तरीके से दुधारू पशुओं की उत्पादकता और दूध को बढ़ाना प्रजनन उद्देश्य से यानी कि ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले जो हमारे बुल्स हैं उनके इस्तेमाल उनको इस्तेमाल करना प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करके और किसानों के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करके आर्टिफिशियल जो उनका ब्रीडिंग है उसको शामिल करना वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देसी गो पशुओं और भैंसों के पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना दीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो कि दो हजार चौदह में शुरू किया गया था अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चा यहां से पूछेगा मंत्रालय कौन सा है मंत्रालय दिखा दिया ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमने देख लिए देसी और दुधारू पशु विदेशी पशु इसके अंदर शामिल नहीं है बोलो नेक्स्ट खबर है हमारे पास एक और एक और खबर है एक पुंगा नूर जो हमारी बच्चा एक काऊ है मतलब छोटे आकार की गाय है पुंगा नूर ये चर्चा में आई थी मोदी जी की वजह से भी ये चर्चा में आई है तो क्या है मीट द नूर डॉर्फ काऊ दैट पीएम मोदी जी फेड ऑन मकर संक्रांति के दिन है ना मोदी जी ने उस गाय को चारा खिलाते हुए उनकी एक फोटो आई थी आप देख सकते हैं ये देख लीजिए प्रधानमंत्री जी ये जो छोटी देख लो चेयर है बच्चा चेयर दिख रही है ना देखो कितनी छोटी सी चेयर है चेयर कितनी छोटी होती है बैठने वाली इस चेयर के साइज के है ये आपकी तो प्रधानमंत्री जी इनको फीड करे इसके चलते पुंगा नूर काओ चर्चा में आ गई क्या है पुंगा नूर काउ पे मिलते हैं क्यों इनको इतना मतलब समाचारों में ये आए इसके बारे में जानना जरूरी है चलो दिखाते हैं आपको तो चौदह जनवरी को पोंगल और मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुंगनूर नस्ल की गाय की विशेषताओं का उल्लेख किया गया जानते हैं क्या है ये गाय ठीक है ये राजस्थान के अंदर बचा हमारा एक जिला है उदयपुर तो मैं एक बार जा रहा था मैंने फर्स्ट टाइम जो डर काऊ है मैंने वहीं पे देखी थी उदयपुर जिले में जब मैं अंदर वहां के गांव से होके एक हिल पे जा रहा था तो मैंने भी इतने छोटे छोटे पशुओं को काऊ को बोल्स को मैंने देखा था वहां पे तब मैंने पहली बार देखा और मुझे लगा इतने छोटे काउ और बुल्स हो सकते हैं तो लेकिन ये जो पुंगा नूर है ये पुंगा नूर उदयपुर के नहीं है राजस्थान के नहीं है ये आंध्र प्रदेश से है बच्चा अन्य नाम है ब्रह्म नस्ल की गाय है ना एक साल पुरानी नस्ल है आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के चित्तूर जिले के पुंगनूर मदनपल्ली और पालमनीर इन तालुका में ये ये मिलती है। इस ये है। इस गाय की लोकेशन से चार फीट तक की इसकी ऊंचाई होती है घर में पालना आसान है छोटी है ज्यादा चारा नहीं खाएगी है ना कम खर्चा है इसको पालने का उसके साथ जो फैट है बाकी जितनी गाय के अंदर देसी गाय के अंदर जितना फैट होता है उससे जस्ट डबल फैट है इसके अंदर इस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा 8% परसेंट तक है जबकि सामान्य गाय के दूध में 3 से 3.5% परसेंट है पर डे एक गाय दो लीटर तक का दूध ये देती है दिस इज पुंगनूर आंध्र प्रदेश रायलसीमा रीजन के अंदर नेक्स्ट है। चलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये लगातार चर्चा में बना हुआ है पहले तो यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर क्या है है ना सोन चिड़िया ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं फिर एक दो बार क्वेश्चन पूछा ये किन किन क्षेत्रों में मिलती है अब बड़ा कंसर्न यह बच्चा इनकी पॉपुलेशन लगातार तेजी से डिक्रीज हो रही है क्यों डिक्रीज हो रही है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया भैया क्या कर रहे हो ये खत्म हो जाएंगे ये सोन चिड़िया नहीं दिखेगी तो कितना बड़ा बायोडाइवर्सिटी का लॉस है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव है ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बचाने के लिए काफी प्रयासरत है तो क्या है जी आई बी कहा मिलती है इसका स्टैंडर्ड क्या है साइट्स में ये कहा रखी गई है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अंदर इसका क्या पोजिशन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको कहाँ जगह मिली है उन सारी बातों को देखेंगे किस जोग्राफिकल क्षेत्र में मिलती है कैसा हैबिटेट है कितना इसकी और बाकी क्या विशेषता है वो अभी हम देखने वाले हैं चलते हैं तो हियरिंग पी आई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उच्च संचरण हाई टेंशन जैसे आपने देखा होगा ना बच्चा कि कई बार जो पावर जनरेशन पावर होता है ना बिजली उत्पादन तीन चीजें होती है बिजली उत्पादन में पावर जनरेशन फर्स्ट फेज उसके बाद ट्रांसमिशन जहां से उत्पादित हुआ फिर जहां यूज होगा ट्रांसमिशन उसको ट्रांसमिशन कहते हैं थर्ड वाला होता है डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके हमारे घरों तक आता है ट्रांसफार्मर से तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है है ना आपने गांव में सुना होगा ग्यारह हजारी की लाइन जा रही है भाई है ना उससे बच के रहना जिसके ऊपर गिर जाएगा कुकड़ी भुन जाएगी उसकी पता है ना ग्यारह हजार बंदर आ गया चपेट में कोई पक्षी चपेट में आ गया इंस्टेंट भुन जाता है वो तो ये हाई टेंशन लाइन जारी है जिन क्षेत्रों में गुडावन है उन क्षेत्रों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है अब इनको तो लगता है ये तार है क्या दिक्कत है ये गुड़ावन उड़ता है सोचता है ये तार है ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे जाके इसकी चपेट में आ जाता है और आके उसकी डेथ हो जाती है तो वो यही है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई टेंशन वाली जो आपकी है ना विद द हाई ट्रांसमिशन पावर लाइन हाई ट्रांसमिशन पावर लाइन के साथ इनका टकराना और इनकी डेथ होना इनसे क्या हो रहा है खतरा हो रहा है हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि उन पावर लाइन से इनकी डेथ हो रही है काफी इंपॉर्टेंट है ये एक किसी भी इकोसिस्टम की हेल्थ का इंडिकेटर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने की सरकारी योजनाओं को फरवरी तक स्पष्ट करने का निर्देश दिया ये अभी जो फरवरी गई क्योंकि हम जनवरी वाली खबर पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया क्या कर रहे हो बताओ मुझे लाके इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में गोड़ावन पक्षी है या ये सोन चिड़िया है इसके बारे में आपने किया क्या इसके साथ एक चीज और बोली एक चीज और बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि पक्षियों की प्रजाति के संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा को अपनाने की भारत की ग्लोबल जो हमने बोला था हमारा कमिटमेंट है अभी कह रहा उसके बीच मतलब उस संतुलन के लिए क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो मुझे बताओ यार सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है कि क्या हो रहा है देश में इस मामले में हर साल कोप होती है ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी भी सऊदी अरब उससे पहले मिश्र ऐसे उसके पहले ग्लास गो ये चलते रहते क्या कर रहे हो बताओ जरा हम भी जानना चाहते हैं तो गोलावन इसका जो नाम है साइंटिफिक नाम है बच्चा आर दे वॉट इस नाई नाइग्री से पंद्रह से सोलह साल तक ये जीती है इस पक्षी का नाम भारत के संभावित राष्ट्रीय पक्षियों की सूची में शामिल था और ये राजस्थान का ये क्या था बच्चा राजस्थान का स्टेट बर्ड है ये गोडावन पक्षी ये देख लो ऐसा दिखता है बच्चा ये दिस इज गोडावन ये गोडावन दिस इज गोडावन मुझे इसका ये पोज बड़ा पसंद आता है पोज बड़ा पसंद आता है इन दिनों देखा होगा ना बहुत सारे लोग ऐसे एक जूता उठा के ऐसे पोज खींच जाते हैं मेरा तो पैर नहीं दिख रहा होगा आपको नीचे है ये वो पैर ऊपर उठा लेते हैं ना एक मेरे को लगता है यहीं से लिया है इसका स्टाइल है ये देखो इसका कॉपी मारा है हाँ तो राजस्थान के अंदर बच्चा आ, डेजर्ट नेशनल पार्क है हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क इसको डेजर्ट नेशनल पार्क भी लिख देंगे

एंड सेकेंड इज राजस्थान तो राजस्थान और गुजरात आज इसके हैबिटेट के प्रमुख क्षेत्र है <coughs> तो ये देख लो तो दिस इज यहां पे है बच्चा ये दिस इज जैसलमेर एंड दिस इज बाड़मेर ये जैसलमेर ये बाड़मेर और इस जैसलमेर बाड़मेर के यहाँ पे ये है हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क मरु राष्ट्रीय उद्यान मरु और राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे देखो ये गोडावन भी दिखा रखा है यहाँ पे ये गोडावन दिखाया हुआ है ये गोडावन दिखाया हुआ है तो बेसिकली राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये बाड़मेर और जैसलमेर में इसके बारे में आप देख लेते हैं तो ये कह रहे है, अरावली हिल्स इसका ईस्टर्न बाउंड्री मार्क करती है ये अरावली हिल्स है सपोज करो दिस इज अरावली तो यहाँ इसे वेस्ट में अरावली के वेस्ट में ही मिलता है ये तो अरावली हिल्स मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री लिमिट द थार डेजर्ट द वेस्टर्न लिमिट्स ऑफ डिफाइंड बाय द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडस यहाँ इंडस का प्लेन आ गया साउथ में राजस्थान ये आ गया गुजरात आ गया ठीक है द ग्रेट रन ऑफ कच ये इसका बाउंड्री साउथ में बनाता है नॉर्दन बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड बाय द रिपेरियंस ऑफ हिमालयन प्लेन्स उसके बाद ही यहाँ हिमालय के प्लेन है ये पूरा क्षेत्र का एक्सप्लेनेशन किया है तो ये तीन हजार एक सौ बासठ किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र के अंतर्गत है ये पूरा का पूरा क्षेत्र उसमें से जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है 1900 के आसपास उसके बाद बाड़मेर में है और काफी हॉट है यहाँ पे ठीक है और इसको उन्नीस में इसको गजेटेड किया था डेजर्ट नेशनल पार्क को तो ये हमने लोकेशन देख ली हाँ पीजीटी में काम आ जाएगा बच्चा कमेंट सेक्शन क्यों भर रहे हो आ जाएगा बच्चा पीजीटी में भी काम आएगा नेक्स्ट चलते हैं यहां से नेक्स्ट कहानी कंजर्वेशन स्टेटस क्या है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अपेंडिक्स वन के अंदर है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेवनटी टू वन के अंदर है और आई के अंदर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है साइट्स है ये साइट्स की अपेंडिक्स वन के अंदर है साइट की अपेंडिक्स वन के अंदर है उसके साथ साथ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज उसके अपेंडिक्स वन के अंदर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइन सेवन स्केड वन के अंदर है और IUCN के अंदर क्रिटिकली बहुत कम संख्या बची है दो सौ से भी कम है दो सौ कन्वेंशन की सूची वन में शामिल किया गया मैंने अभी दिखा दिया सीएमएस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज तो सीएमएस का जो कॉप थर्टीन था उसमें ये चर्चा में थी अभी तो इसमें ऐसे प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनके आवास को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल हमें ेशन की रिक्वायरमेंट है तो घास के मैदान के या किसी भी इकोसिस्टम के ऐसे चरागाह इकोसिस्टम की हेल्थ को इंडिकेट करता है केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी 2022 में बोला कि इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है हम प्रयास कर रहे हैं और ये अच्छा संकेत है ओके तो अभी 200 के आसपास इसका पॉपुलेशन है दिखा देते हैं नाम बता दिया मैंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये साइंटिफिक नेम बता दिया हमने निगरी दो के आसपास है पूरी दुनिया में हाइट एक मीटर तक का ऊंचा है है ना एक मीटर तक ऊंचा है जब इसके पंख खोलते हैं तो दो से दो सेंटीमीटर तक और पंद्रह से अठारह के जी का इसका वेट होता है और ये मैंने सारे स्टेटस बता दिए साइट्स में क्या है आई में क्या है सीएमएस में क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसका क्या है स्टेटस है वो सब हमने डिस्कस कर लिया हैबिटेट है और डिस्ट्रक्शन की बात रहा है कहता है एक टाइम ऐसा था इंडिया के 11 स्टेट्स में मिलता था बच्चा देश के ग्यारह राज्यों में मिलती थी एक टाइम पे अभी तो राजस्थान और गुजरात में ही है ये लिख रहा है यहां पे देखो ये क्या कह रहा है हिस्टोरिकली द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू आउट द वेस्टर्न इंडिया पूरे पश्चिम भारत में थी ग्यारह राज्यों में पाकिस्तान में भी थी ये है ना अभी भी है पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है दो चार मिल जाएंगे उसे बॉर्डर एरिया ही तो है ओके डेक्कन प्लेट्यू पे मिल रही थी लेकिन आज ये कहां है आज ये है आपके राजस्थान में और गुजरात में छोटा सा हिस्सा इसका कुछ महाराष्ट्र में भी दो चार मिल जाएंगे कुछ कर्नाटक में भी और आंध्र प्रदेश में भी ये देख लो अगर यूपीएससी कहता है कि महाराष्ट्र के अंदर है। अगर यूपीएससी कहता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फाउंड ओनली इन इंडिया नहीं उधर पाकिस्तान बॉर्डर एरिया है ना बच्चा ये देखो दिखाया था ना मैंने ये कहा गया ये बिल्कुल यहां है इधर पाकिस्तान है इधर पाकिस्तान है तो कुछ पाकिस्तान में भी माइग्रेटरी बर्ड है तभी तो सीएमएस में शामिल किया बच्चा तभी तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज यानी कि दूसरे देश में भी जाती है तभी शामिल किया है इसको आगे चलते हैं तो ये इसको सोन चिड़िया भी बोलते हैं विश्व में सबसे ज्यादा अधिक वजन वाले पक्षियों में से एक है ये मेनली आपका इंडियन सब में ही पाया जाता है सब कॉन्टिनेंट यानी कि सिर्फ इंडिया में नहीं है बाकी देश में भी है पाकिस्तान में भी है विलुप्त होने का कारण है बिजली की लाइनों से टकराव अत्यधिक शिकार प्राकृतिक आवास का विनाश शहरीकरण कृषि का विस्तार ये इसके कारण है तो एक क्वेश्चन है ये दो में यूपीएससी ने पूछा था पढ़ो और बताओ मुझे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है पढ़िए इसको बताइए भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन सा कथन सही है चलो देखते अभी हमने देखा दो जिलों में विस्तृत है यस जैसलमेर बाड़मेर में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नेचुरल हैबिटेट है बिल्कुल कहता है इसके अंदर कोई ह्यूमन हैबिटेट नहीं कैसे नेशनल पार्क के अंदर हो सकते कॉमन लॉजिक से भी करते अगर आपको यह भी नहीं पता होता इसने बोला इस इस नेशनल पार्क के अंदर कोई ह्यूमन हैबिटेट नहीं है अगर आपने मेरी क्यू सीरीज पढ़ी हो क्यू सीरीज की कुछ वीडियोज है उसमें मैंने नेशनल पार्क के बारे में बताया और उसमें मैंने बताया कहाँ पे इंसान रह सकता है कहाँ नहीं रह सकता तो ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्क्स के अंदर कोई ह्यूमन है, हैबिटेट नहीं होता इसको भी अगर आप एलिमिनेट कर देते ये गया था ये गया था ये गया था लो तब भी आंसर आ जाता थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कई बार क्वेश्चन को हैंडल करने में तो इसका आंसर क्या है बच्चा आंसर इज सी नेक्स्ट है एक और जबरदस्त खबर है मैंने आपको जब अफ्रीका की मैपिंग कराया था बच्चा अफ्रीका मैपिंग कराया था मैंने आपको लेक विक्टोरिया लेक विक्टोरिया के बारे में बताया था और मैंने बताया था लेक विक्टोरिया में वहां का एक जर्नल है शायद आ, किसी जर्नल में प्रकाशित कोई खबर थी जिसने बोला कि लेक विक्टोरिया के अंदर हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं कभी बाढ़ देखने को मिल रही है उसके बेसिन में कभी हमें बिल्कुल सूखा देखने को मिल रहा है तो अब ये डाउन टू अर्थ की खबर है कि री लेक विक्टोरिया सी एस सी एन तंजानिया ऑथॉरिटीज होल्ड मल्टी नेशन स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन अब तंजानिया की जो अथॉरिटीज है क्योंकि तंजानिया में भी बॉर्डर है तंजानिया युगांडा कीनिया, ये तीन तो उसके मेजर बाउंड्री कंट्रीज थी और फिर मैंने आपको कंट्री भी बताई थी लेक विक्टोरिया की तो अब ये दुनिया भर की स्टेक होल्डर से सरकारों से बातचीत कर रहा है इंडिया से भी कॉन्टेक्ट किया भैया क्या करे बताओ ये प्रॉब्लम आ गया है लेक विक्टोरिया सूख रही है है ना सूखे का सामना कर रहे हैं उस क्षेत्र में यस आ जाओ तो भारत का एक थिंक टैंक है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट और तंजानिया का नेशनल एनवायरमेंट मैनेजमेंट काउंसिल है है आपस में एक एफर्ट कि कैसे हम लेक विक्टोरिया को रिस्टोर करें है ना क्लाइमेट चेंज से झील में सूखे जैसी स्थिति बन रही है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रही है तो कैसे टैकल करें इसको वो वाली बात है तो ड्राउट लाइक सिचुएशन इन द लेक ड्यू टू क्लाइमेट चेंज आओ मेरी मदद करो दुनिया वालों वरना आप जो पढ़ते हो इक्वेटर होके जाती है लेक विक्टोरिया से है ना उसके बाद वाइट नाइल का सोर्स है दुनिया की अफ्रीका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है ये नाम किताबों में गुम ना हो जाए आज ही मिलके बैठ लेते हैं भाई साहब आ जाओ मदद करो हमारी क्या कर सकते हैं इसमें आ जाओ तो विक्टोरिया झील के बारे में जानते अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है जिससे होकर इक्वेटर जाती है मैंने अफ्रीका की मैपिंग में आपको कराया था ऐसा कुछ नहीं मिलेगा नया आपको कीनिया तंजानिया युगांडा में विस्तृत है उसके अलावा बुरुंडी रवांडा उन क्षेत्र में भी है और इसे डार्विन का ड्रीम पॉन्ड भी बोला गया था डार्विन बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट बायोलॉजिस्ट मतलब इस वाले क्षेत्र से थे और बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते थे तो उनके लिए काफ़ी उस हिसाब से इम्पोर्टेंट क्षेत्र था यहाँ पे अडेप्टेशन देखना हो स्पीसीज कैसे इवॉल्व हो रही है उसको स्टडी करने हो उस, उस हिसाब से इसको डार्विन का ड्रीम पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है तो ये आप देख सकते हैं दिस इज लेक विक्टोरिया इधर युगांडा है इधर कीनिया है और इधर तंजानिया है बेसिकली तो ये तीन कंट्री है फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा क्षेत्र इसका किस देश के अंदर है बॉर्डर बात कर लेते हैं ये अगर अफ्रीका की मैपिंग याद हो मैंने अफ्रीका मैपिंग वाली स्लाइड लगाई है बच्चा सेम ऐसे ही दिखाया था मैंने दिस इज लेक विक्टोरिया

बड़ा डिफरेंट तरह के माहौल देखने को मिल रहा है वो सारी बातें हमने की थी उसके बाद मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट रिवर थी यहाँ पे कगेरा रिवर जो इसको वाटर सप्लाई है ना लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द लेक विक्टोरिया यह नदी रवांडा और बुरुंडी से होकर आती है यह बुरुंडी और रवांडा से होकर आती है और इसमें इसके वाटर का सोर्स है कुछ और नदियां भी मैं बता देता हूं आपको देख लो तो तट रेखा ये ऑलरेडी वही है मैंने बता दिया कीनिया युगांडा और तंजानिया सबसे बड़ा हिस्सा है इसमें कागेरा रिवर के बारे में बता दिया इसके अलावा और भी कुछ रिवर है कटौगा रिवर सीओ रिवर याला रिवर न्याडो सोंदू मिरू मारा नदियां इस झील में गिरती है इसको वाटर की सप्लाई करती है इससे ही आपकी व्हाइट नाइन निकल रही थी विश्वत रेखा इससे होके जाता है विश्व की सबसे बड़ी याद रखना वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है ये बच्चा ध्यान रखना लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक इन दर्ल्ड आप बोलोगे सर जी हमने तो सुपीरियर झील का नाम सुना है लेकिन सुपीरियर झील ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है तो अगर ये लाइन आ जाए सुन लो बच्चा आप गड़बड़ क्या करोगे यूपीएससी लिखे गए दुनिया की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय झील है आपको उष्ण कटिबंधीय नहीं दिखेगा आपको दिखेगा दुनिया की सबसे बड़ी झील नहीं काट दो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी है लेकिन अगर उष्ण कटिबंधीय लिख के पूछ लिया तो घुमा सकता है उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सुपीरियर नंबर वन पोजीशन पे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो तीसरी है पहले पे आपका कैस्पियन है फर्स्ट पे कैस्पियन सी है क्षेत्रफल के हिसाब से फिर सुपीरियर और तीसरे पे लेक विक्टोरिया है तो व्हाइट नाइल का ये सोर्स भी है तो ये देख सकते हैं ये अफ्रीका दिस इज लेक विक्टोरिया इक्वेटर इससे पास हो रही है अफ्रीका की मैपिंग तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई है ये सहारा डेजर्ट हो गया ये एटलस माउंटेन हो गया ये रिवर्स करा दी थी मैंने कालाहारी डेजर्ट नामी डेजर्ट हो गया अफ्रीकन रिफ्ट वैली के दो पार्ट थे सब किया हुआ है हमने चले, ओके तो कल होगा हमारा 9 अप्रैल पार्ट टू होगा जनवरी का करंट अफेयर का पार्ट टू और जिन बच्चों को ये टेंशन है कि सर जी जनवरी से पहले की कहानी क्या है तो जून से लेके जून 2023 से दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर इस वाली ये आप मेरी बुक परचेज कर सकते हैं मात्र ढाई सौ रुपए की है बच्चा कैसे परचेज करना है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना और मतलब जून से लेके दिसंबर तक की कहानी तो टेंशन सॉल्व और दिसंबर के बाद से जनवरी वाला हमने शुरू कर दिया अभी जनवरी फर इस हफ्ते हमारा कंप्लीट जनवरी का करंट अफेयर हो जाएगा मंडे ट्यूजडे वेंसडे नेक्स्ट वीक का मंडे ट्यूजडे वेंसडे हमारा फरवरी का हो जाएगा उससे नेक्स्ट वीक का मंडे ट्यूजडे वेंसडे मार्च का हो जाएगा खत्म इस महीने एनवायरमेंट निकोलॉजी का सारा पेंडिंग वर्क खत्म फिर अप्रैल का बचेगा वो मैं करा दूंगा कहा टेंशन ले रहे हो मैं हूं ना थोड़ा इंतजार करो और जिसको सी सेट कॉम्प्रीहेंशन की बुक चाहिए ये बच्चा तीन सौ रुपये में दो हजार चौदह से तेईस तक के सारे क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की ये करंट अफेयर का ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट हो गया इस नंबर पे आप नेम बुक एड्रेस भेज देना एक ही मैसेज करना आप कंप्लीट मैसेज एक ही मैसेज में सारी इन्फॉर्मेशन नाम एड्रेस सिटी स्टेट पिन कोड आपका फोन नंबर कुरियर वाला जाएगा मैं लेके थोड़ी ना आ रहा हूँ आपके घर पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन इसी नंबर पे आप मैसेज कर देना मिल जाएगा और ये सारे सब्जेक्ट और इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलने वाला है और एक बहुत बड़ा धमाका है ना उसका पूरा फाउंडेशन में तैयार कर रहा हूँ है ना मैंने पहले ही बोला था एक बार को तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा ऑनलाइन देखना बच्चा उसको है ना थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स थे वो मेरे से मिस हो गए थे ना जब तैयारी से आऊँ तो ऐसी तो आऊँ ना चारों तरफ से मेरे को लगे हाँ बिल्कुल सेट है मामला तो जल्दी आ रही है वो आपके पास बड़ी खबर बहुत सारे बच्चे बोले कि सर जी ये करंट अफेयर के सेशन ये धमाका अरे नहीं ये तो जो बिजली बम है गांव में आते थे ना सिंघाड़े बम बिजली बम ये तो छोटे है हम बड़ा खेलेंगे बच्चा बड़ा ये YouTube चैनल आपका ही है बच्चा इसको लाइक करो वीडियोस को शेयर्स करो चैनल को सब्सक्राइब करो आ, टेलीग्राम ये पीडीएफ आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आज के लिए इतना ही कल हम जनवरी करंट अफेयर पार्ट टू करेंगे बाय बाय टेक केयर बाय बच्चा